नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सावन के महीने के कुछ बड़े ही खास और विशेष चीजों के बारे में, क्योंकि शिवजी का प्रिय महीना यह सावन है और यह 15 अगस्त तक रहने वाला है। इन दिनों में शिवजी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि जो फायदा यज्ञ करने से मिलता है वही फायदा वही पुण्य भगवान शिवजी की पूजा करने से सावन के महीने में मिलता है। भगवान शिव का मुख्य ग्रंथ शिव पुराण शिवजी और सृष्टि के निर्माण पर पूरी तरह से आधारित है और इसी पुराण में शिव पूजा की कई विधियां बताई गई हैं जो बिल्कुल खास हैं और विशेष हैं। इसी ग्रंथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आ रही धन की समस्याओं को बिल्कुल ही और तुरंत ही समाप्त कर सकती हैं, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, इसीलिए खास दिनों पर खास महीनों पर वो यह विशेष चीजें नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम तो अपने चैनल में हमेशा ही आपके लिए लेकर आते हैं बड़े ही ज्यादा खास और विशेष प्रयोग। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं तो यही वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। शिव पुराण में एक ऐसी विधि बताई गई है, अगर सावन के पूरे महीने में शिव मंदिर में जाकर आप घी का दीपक जलाकर आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन में राजयोग बनना शुरू हो जाता है। चाहे कोई कितनी भी परेशान हो, कितना भी उसके जीवन में धन से जुड़ा हुआ दुख हो, लेकिन सावन की अगर पूरे महीने में सूरज ढलने के तुरंत बाद वह व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जला देता है तो उसके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। जो लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिन लोगों के जीवन में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है, कमाई होती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं जुड़ पाता है, इसी को कहते हैं कि बरकत नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ रोज़ाना एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर लाल कलावे का इस्तेमाल करते हुए शिव मंदिर में एक दीपक जलाते हुए रहना है। यह 15 अगस्त तक रहने वाला है। अगर आपने पहले नहीं करा है तो आप आज से ही इसे शुरू कर सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छे लाभ आपको जरूर ही और निश्चित ही मिलते हैं। बल्कि इस उपाय से, इस प्रयोग से जुड़ी हुई एक कथा भी है जो हम आपको जरूर बताएंगे। शिव पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में कुन्निधि नाम का एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गरीब था, निर्धन था, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन एक बार अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जब वो भोजन की तलाश में निकला तो खोज करते हुए वह शिव मंदिर में पहुंच गया। कुन्निधि ने सोचा कि इसी रात्रि में वह आराम कर ले, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने जाने अनजाने में शिवलिंग के पास एक दीपक को जला दिया। इसी चीज के कारण उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण अगले जन्म में उसे कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। यानी कि मात्र अनजाने में ही उसने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी उसे कुबेर देव बना दिया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इससे फायदा आपको मिलता है। इसके लिए आपके मन में एक विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप ध्यान रखें कि शिव मंदिर में जब भी आप दीपक जलाते हैं तो जलाते समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कर लें। जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करें और महिलाएं ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। सिर्फ 108 बार ही आपको जाप करते हुए दीपक को जला देना है और इस जाप के लिए सिर्फ रुद्राक्ष की माला का ही इस्तेमाल आपको करना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस रुद्राक्ष की माला से आप जाप करेंगे उस माला को बिल्कुल आपको छुपा कर ही जाप करना है। उस माला को आपके सिवा कोई और ना देखे, बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यह सभी चीज़ें अगर सावन के महीने में आप कर लेते हैं तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जब भी आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है। जो लोग परेशान हैं जाने अनजाने में आप उनकी मदद कर देते हैं, जिससे आपके कुटकर्माज बढ़ जाते हैं और जब भी आपके कुटकर्माज बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन खुद ही आकर्षित होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।